इस सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे एन ए सी एक ऐसे देखेंगे जिसे हमें 150 फिफ्टी वर्ड्स में लिखना है दैट दैट वी हैव टू राइट इन 150 फिफ्टी वर्ड्स और ये जो ए सी है ये बहुत ही सरल है जिसके बारे में हम काफ़ी बातें जानते हैं और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है एन इंडियन फेस्टिवल एक भारतीय त्यौहार या फिर और माई फेवरेट फेस्टिवल मेरा प्रिय त्यौहार और या फिर दीपावली या फिर दिवाली फेस्टिवल इज़ डेराइव फ्रॉम वर्ड फीस्ट फीस्ट वर्ड से हमारा फेस्टिवल बना है फीस्ट का मतलब होता है दावत तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं फीस्ट और वेल well दिख रहा है आपको मतलब अच्छा यहाँ पे बढ़िया खाना पीने मिले तो वो हमारा फेस्टिवल हो गया बच्चों के लिए तो यही होता है पहले मैं इसे लाइन बाई लाइन रीड कर लेता हूँ फिर उसके बाद में हम वर्ड बाई वर्ड इसकी मीनिंग समझ लेंगे और लास्ट में मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन बता दूंगा तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स इट इज़ नॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स फेस्टिवल्स सेकेंड पॉइंट इज टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स नेशनल फेस्टिवल्स सचैस इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे एट्सट्रा रिलीजियस फेस्टिवल्स such as diwali eid christmas ganesh chaturthi etc seasonal festivals include makar sankranti hariyali and others my favorite festival my favorite festival is diwali diwali is a festival of lights it is one of the most important festivals in india it is celebrated by lighting lamps and bursting crackers and fireworks it is celebrated in memory of lord rama's return to ayodhya after killing ravan or ravana it represents the victory of good over evil and light over darkness usually diwali falls in october or november every year families and friends visit each other

इंट्रोडक्शन आपको पता है प्रस्तावना इंडिया इज लैंड लैंड यानी भूमि ऑफ फेस्टिवल्स त्यौहार इट इज़ नोन जाना जाता है ऑल सभी ओवर द वर्ल्ड पूरे विश्व में ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में फॉर इट्स फेस्टिवल इसके त्यौहारों के लिए टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स टाइप्स यानी प्रकार इंडिया में कई फेस्टिवल्स होते हैं और कई धर्म के लोग हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र छे, क्षेत्रफल है जिसके अंदर अनेकों धार्मिक त्यौहार और सीज़न के आधार पर या क्षेत्रीय आधार पर त्यौहार मनाए जाते हैं जिसे कुछ ही शब्दों में लिखना बहुत मुश्किल है फर्स्ट है हमारा नेशनल फेस्टिवल्स नेशनल यानी ने राष्ट्रीय त्यौहार जैसे इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त रिपब्लिक डे 26 जनवरी एट्सट्रा नेशनल फेस्टिवल्स ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो हमारी राष्ट्रीय भावना को बढ़ाते हैं और सभी धर्म अर्थात जो भी भारतीय है सभी इस इन त्योहारों को मनाते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स रिलीजन धार्मिक जो कुछ कम्युनिटी सम्प्रदाय ही इन फेस्टिवल्स को मानते हैं या मनाते हैं जैसे इसमें दिवाली हो गया जो कि हमारे हिंदू लोग मनाएंगे ईद मुस्लिम्स मनाएंगे क्रिसमस क्रिश्चियन लोग मनाएंगे और गणेश चतुर्थी एट्सट्रा और इसके अलावा बहुत से ऐसे नाम हो सकते जो आपको पता है या आपके क्षेत्र में मनाए जाते हैं आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कोशिश की है कि जो हमारा वर्ड लिमिट है 150 फिफ्टी वर्ड्स उस उसके लगभग होना चाहिए इसलिए इन्हें कम किया है आप चाहे तो कोई दूसरे नाम ऐड कर सकते हैं या फिर ऐसे ऐड कर सकते हैं जिसमें आपको ईजिली स्पेलिंग से याद हो जाए इंडिपेंडेंस डे की जगह पर आप फिफ्टीन अगस्त लिख लो चलेगा रिपब्लिक डे डे के जगह पर ट्वेंटी जनवरी लिख लो चलेगा वैसे सीजनल फेस्टिवल्स यानी सीजन्स हैं ना मौसम के आधार पर बदलने वाले फेस्टिवल सीजनल फेस्टिवल इसके अंदर शामिल है हमारी री में मकर संक्रांति मनाई जाती है ऐसी हरियाली है एंड अदर्स और ये ज़्यादातर जो फेस्ट सीजनल फेस्टिवल्स होते हैं ये सीज़न के बदलाव मौसम के बदलाव के आधार पर या फिर जब हमारी अच्छी फसल होती है उसकी खुशी में मनाते हैं सीजनल फेस्टिवल्स में आपका कई आ सकते इसके पोला हो गया आपका फिर आपका बैसाखी हो जाती है पोंगल हो जाता है और कई ऐसे त्यौहार हैं इंडिया मनाए जाते हैं महिलाओं के कुछ अलग त्यौहार हो जाएंगे जेंट्स के कुछ अलग त्यौहार हो जाएंगे क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो जाएंगे कास्ट धर्म के आधार पर अलग अलग हो जाए ऐसे कई भिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं इसीलिए इसे त्यौहारों का देश कहा जाता है माई फेवरेट फेस्टिवल मेरा प्रिय फेवरेट एंड ए प्रिय फेस्टिवल त्यौहार माई फेवरेट फेस्टिवल इज़ दिवाली या फिर हम इसे दीपावली भी लिख सकते हैं आप देख लेना आपके पेपर में जो स्पेलिंग दिख ली हो उसी को आप रिपीट करना या लिखना है दोनों ही तरीके से लिखा जाता है दीपावली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स लाइट्स एंड अ रोशनी दिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल पूर्ण इम्पोर्टेंट एंड महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है इन इंडिया भारत में इट इज सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड एंड मनाया जाता है बाई लाइटिंग रोशनी करके लैंप्स मतलब दीपक या फिर दिए बर्स्टिंग क्रिकर्स यानी फटाखे फोड़कर और फायर वर्क यानी आतिशबाजी इट इज सेलिब्रेटेड मनाया जाता है इन मेमोरी यानी में ऑफ लॉर्ड रामास रिटर्न रिटर्न यानी वापसी टू अयोध्या अयोध्या को आफ्टर किलिंग आफ्टर यानी बाद में किलिंग यानी मारकर रावण रावण को मारकर जब रामचंद्र जी अयोध्या आए थे तो उनकी वापसी की याद में इसे मनाया जाता है इट रिप्रेजेंट ये रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करता है या फिर प्रतीक है इट रिप्रेजेंट द विक्ट्री विक्ट्री यानी विजय ऑफ गुड अच्छाई ओवर ऊपर ई बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का प्रतीक है एंड लाइट रोशनी ओवर डार्कनेस और अंधकार के ऊपर रोशनी की विजय का प्रतीक है यूजली मतलब सामान्य तौर पर दिवाली दीपावली या दिवाली फॉल्स आती हैं इन अक्टूबर या फिर नवंबर एवरी वर्ष हर एक वर्ष फैमिलीज यानी परिवार फ्रेंड्स विजिट यानी आते हैं ईच अदर एक दूसरे के घर आते हैं एक्सचेंज यानी लेना देना गिफ्ट्स का आदान एक्सचेंज यानी आदान प्रदान करते हैं का आदान प्रदान करते हैं इसके जगह अगर आपको एक्सचेंज डिफ़िकल्ट लगे तो आप गिव वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं एंड गिव गिफ्ट्स एंड शेयर शेयर यानि साझा करना साझा करते डिलिशियस यानी स्वादिष्ट फूड इसमें भी आप इसमें और डिलिशस को आप हटा सकते हैं और फूड लिख सकते हैं ऑन दिस ओकेजन इसमें आप याद रखिए कि जो भी एड्जेक्टिव है आपको लगता है कि डिफिकल्ट है आपको स्पेलिंग याद नहीं हो, हो सकती है तो या तो उसका सब्सिट्यूट कोई लिखे या फिर उसे छोड़ दे ऑन दिस ओकेजन दिस यानी ईस ओकेशन यानी अवसर पर ऑन पीपल लोग वर्षी पूजा करते हैं गॉडेस लक्ष्मी देवी लक्ष्मी की द गॉडेस ऑफ वेल्थ धन की देवी वेल्थ है यानी धन और गॉडेस है ना देवी कंक्लूजन उपसंहार वी शुड हमें सेलिब्रेट यानी मनाना चाहिए फेस्टिवल्स विथ फुल जॉय फुल जॉय यानी आनंद पूरे आनंद के साथ में मनाना चाहिए और हैप्पीनेस खुशी के साथ में इट शुड ब्रिंग इसे लाना चाहिए होप आशा को खुशी हैप्पीनेस एंड गुडनेस एंड अच्छाई इन आवर लाइफ हमारे जीवन में फर्स्टिंग अगर आपको याद ना हो तो आप बर्निंग भी लिख सकते हो मतलब जलाकर बर्निंग है ना जलाकर रिटर्न का मतलब होता है कमिंग बैक तो आप कमिंग बैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रिप्रेजेंट के जगह पे साइन इस्तेमाल भी कर सकते हैं जब आप इस पर स्पेलिंग सिग्नेचर क्लिक करते हो इसे इट साइंस संकेत करता है ओकेशन की जगह पे आप मोमेंट भी इस्तेमाल करते हैं ऑन दिस मोमेंट या फिर टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं मोमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं एम ओ एम टी मोमेंट या फिर टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं टी आई एम ई